मॉर्निंग छोटे चंद, गुड मॉर्निंग, उठो, ट्यूशन नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, टीवी देखना है, भैया अच्छा बच्चा है, गया ट्यूशन, उठो, क्या खाओगे नाश्ता, नाश्ता के बना, हाँ, मैगी, बारिश हो रही है कुछ हो बना, पकोड़े, क्या बनाओ नाश्ता, आज हो रही है बारिश, क्या बनाऊं नाश्ते में, पोहा कि पकोड़ा, तेज हो जाए तो सही है, तेज हो जाएगा ना तो कीचड़ नहीं होगा, ये हल्की हल्की होगी तो कीचड़ हो जाएगा। कल तो ऐसा लगा कि बस करो गर्मी आ गई, बारिश हो जाएगी फिर आ जाएगी ठंडी, ऐसे तो हर साल होता है, एक बार तो ऐसा लगेगा गर्मी आ गई फिर उसके बाद। लेकिन क्या क्या लाए थे सब्जी इसमें, गाजर भी लाए थे, अरे यार गाजर लाते हैं, मुझे हलवा बनाना था, मैं सोची हलवा बनाऊंगी आज। मटर कैसे मिले, मेथी वो बना क्या, वो मटर मेथी मलाई क्या हो, छोटू नहीं खाता ना, मिर्ची और ये है नींबू, नींबू पाव भाजी ठीक है, लहसुन प्याज आलू 5 किलो है, वहाँ अंगूर कैसे दिए, अंगूर कैसे मिला, तो टमाटर इस बार सही लाए हो कि इस बार गला गला लाए हो, प्याज ऐसे ही आ रही है यार, देखो ये भी जामी हुई है, प्याज ऐसे पूरे मंडी में प्याज ऐसे, नई प्याज गर्मी में आती है, फर्सी पै गया, चलो कुछ बनाते हैं, भूख लग रही है, पोहा ही खाओगे, मटर छीलो फिर पोहा बनाओ, हैं कौन कौन, हम सब नहा लिए, हर्षी सिर्फ रह गया, अच्छा है, हम लोग घूम के आ गए, कैंसिल हो गया, पता है जो किसने बताया कैंसिल हो गया, आप बोल रहे हैं, ओहो छोटू से दो बार पूछ, चलना है नहाओ, पहले पिक्चर देखने जाओ, बहुत हरामी कर रहे हैं, पढ़ने नहीं ट्यूशन नहीं गया, चलो इसी बहाने कल कपड़ा धुल गया, नहीं आज फंसे रहते कपड़े में, और सूखता भी नहीं, बारिश हो रही है, ड्यू टू वेदर प्रोग्राम विल बी पोस्टपोन ऑन 4th ऑफ फेब, लड्डू इतना खुश हुआ बारिश का नाम सुन के, जैसे ही उसकी मम्मी बोली बारिश हो रही है तो इतना तेज चिल्लाया बारिश हो रही है, खुश हो गया, चलो कपड़े डाल दो थैले में ले जाओ प्रेस करने के लिए, दे दो इनका भी दे देना, स्कूल का भी, हाँ सब दे दे, मैं भी दे दूँ क्या, 2-3 सूट है मेरा ऐसे रखा, सोच रहा हूँ थोड़ा सा फिटिंग करा लूँ, वो गुनगुन के मम्मी के पास से जो लाई थे रक्षाबंधन पे, एक वो मशीन चलो आने, 2 मटर छीलोगे, मैं झाड़ू लगाऊँ, पूरा ना छीलो, पोहा के लिए सिर्फ इतना, हम लोगों का नाश्ता भी हो गया, और नाश्ता करने के बाद जो बर्तन निकलता है देखिए इतना बर्तन रखा है धोने के लिए, तो ये बर्तन है अभी नाश्ते में मैगी बनाए पतिदेव, मैगी बनाए मैं नहीं बनाई, मैं मटर छीली, हम दोनों मिलके मटर छीले, तो पहले तो मैं बोली क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो पतिदेव बोले पोहा, छोटू बोला मौसम बारिश वाला है तो पकौड़े बनाओ पालक के, फिर लास्ट में प्लान मटर छीलते छीलते प्लान बना कि मैगी बनाई, तो पतिदेव को मैगी खाना था तो मैं सोची चलो मैगी ही बना देते हैं नाश्ते में, तो बोले कि तुम झाड़ू लगाओ
मैं तब तक बनाता हूँ मैगी। तो पतिदेव नाश्ते में मैगी बनाए और मैं झाड़ू लगाई सारी जगह, क्योंकि बालकनी में अगर बारिश हो जाती है, कचरा इकट्ठा हो रखा था, हवा चल रही थी, तो तुलसी अजीब से सूख गई है ना, तो उनका जो पत्ता है झड़ जाता है। तो बोले तुम झाड़ू लगा लो, नहीं बारिश हो जाएगी तो सारे जगह गीला हो जाएगा। तो मैं झाड़ू लगाने लगी तो हमारे पतिदेव नाश्ता बनाए मैगी, तो सब खाए मैगी। और अभी बच्चों का और पतिदेव का अचानक प्लान बना कि आज पाव भाजी बननी चाहिए। काफ़ी दिन से नहीं बनी है पाव भाजी, तो बोले कि आज पाव भाजी बनेगी। बोले ठीक है, तो चलिए पाव भाजी ही बना देते हैं। तो मटर तो छील ली हूँ, और कल सब्जी में सब लाए थे पर गाजर लाना भूल गए थे। अब मैं उनसे बोलना भी भूल गई थी कि गाजर लाना, तो अभी गए हैं गाजर लाने और पाव भाजी के लिए पाव लाने, मटर तो है वो बटर लाने गए हैं। तो साथ में छूटू भी गया है, और मेरी जो बाल की दवा चल रही है, दवा मेरी ख़त्म हो गई थी तो दवा भी लाने गए हैं। सॉरी, दवा से याद आ गया कि मुझे नाश्ता कर लेंगे, तो मुझे दवा भी खाना, नहीं तो लेट हो जाता है दोपहर का खाना। छुट्टी के दिन तो लेट ही होता है, और वैसे नॉर्मल भी दिन में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को लेके आती हूँ तो भी खाना खाती हूँ, तो वो तब भी लेट हो जाता है। तो मैं सुबह ही कुछ ना कुछ खा के दवा खा लेती हूँ, तो अभी मैगी खाई हूँ, तो चल रहा हूँ, याद आ गया तो दवा खा लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी, फिर काम में लग जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ, जब याद आता है तो खाती हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी 12 बजने वाला है, चलो जल्दी जल्दी खाना खाऊँ, ओ सॉरी खाना दवाई खाऊँ। अरे हमारे नहा धो के तैयार हो गए हैं, और बारिश में कहाँ जाएंगे, आज तो दोस्तों के पास भी नहीं जा सकते। टीवी चालू कर दिए हैं सुबह से उठते ही, छुट्टी के दिन मेरे घर में सुबह उठते ही बिस्तर से टीवी शुरू हो जाती है। और टीवी बंद कब होगी, 12 बजे रात में, कभी 12:30 बजे, कभी 12 बजे, क्योंकि उसके बाद मैं देखती हूँ बिग बॉस रात में 10:30 बजे से। तो धो ले बेटा, धो ले, ऐसे नहीं खाते, कटोरी में ले लेना, खट्टा अभी खट्टा ही अंगूर आएगा। और मेरे पति देव जो बनाए यहाँ, और मैं खा रही हूँ मटर, मुझे मटर छील के रखे खारी मटर। मेरे पति देव मैगी बनाए हैं, इस सारे जगह मैगी का मसाला फैला रखे हैं पूरे उस पर। तो हाँ ऐसे ही करते हैं, बनाते हैं और फैलाते ज़्यादा बनाते कम है फैलाते ज़्यादा ए इसका है, मेरा नहीं है, उनका बेटा बोल रहा है कि पापा बनाते कम है फैलाते ज़्यादा। तू ही तो बोला, मैं तो बोली भी नहीं कि बनाते कम है फैलाते ज़्यादा है। क्यों नहीं, मैं तो डालूंगी जाना, तेरे अम्मा को पता चले कि नाती हमारे बेटे के बारे में क्या बोल रहा है। अरे खट्टा खट्टा बोल के अंगूर खा रहे हैं, मजा आ गया। तो चलिए तैयारी करती हूँ पाव भाजी बनाने की, और पहले सबसे पहले किचन की सफाई कर दूँ, बर्तन धो दूँ, और ये जो मसाला फैला रखे हैं मैगी का उसे साफ कर दूँ। और आज कपड़ा नहीं धोना है, हर्षित इनर क्यों रख दिया है यहाँ धोने के लिए, आज कपड़ा सूखेगा कहाँ, बाहर का मौसम देख रहा है, अभी थोड़ी सी बारिश निकली है पर बारिश होगी। बारिश तो रुकी है पर बादल ऐसे बादल जाने वाले नहीं है बारिश करे बिना, तो बारिश तो पक्की है, अच्छी वाली बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और अभी हवा चलने लगी ना, तो थोड़ा सा बारिश रुक गई है। तो चलिए मिलते हैं ये सारा काम ख़त्म करके। तो यहाँ मैं सारी सब्जी को काट ली हूँ, धो भी ली हूँ, धो काटने के बाद सारी सब्जी धो के रख दी हूँ, और अब इसे मैं कुकर में रख दूँगी सीटी लगने के लिए। तो यहाँ मैं आलू काटी हूँ, गाजर, गोभी और थोड़ी सी मटर भी डालूँगी, क्योंकि छोटू को नहीं पसंद है तो बहुत थोड़ी सी मटर डालेंगे, और ये मटर बिल्कुल सॉफ्ट है, गल जाएगी पता भी नहीं चलेगी। और यहाँ मैं धनिया की पत्ती भी खूब सारा तोड़ के रख दी हूँ, और अब इसे मैं कुकर में डाल के रख देती हूँ, जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं कोई और काम कर लूँगी। तो चलिए रख देते हैं सीटी लगने के लिए कुकर में डाल के ये सब,
और छोटू मटर देखते ही उसका मन खराब हो जाता है, मटर नहीं डालना मटर नहीं डालना सुबह से बोल रहा है, जब से हम लोग छील रहे थे मटर मटर नहीं डालना। और यहाँ मैं पानी डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दी, और उसके बाद मैं टमाटर काट के रख दी हूँ और नींबू को धो के रख दी हूँ। और यहाँ ये लाए थे बटर और पाव लाए थे, तो मैं सोची चलो अभी इसका काम नहीं है तो इसे उठा के ऊपर रख देते हैं, फालतू में जगह छेक के रखा है, और यहाँ मैं कोई और काम कर लूँगी तब तक, तो इसे पाव को ऊपर रख देंगे और जो बटर है उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जब बनेगा तब फ्रिज से निकालेंगे, अभी क्यों किचन में पड़ा रहे फालतू जगह छेक रहा है। वैसे भी हमारी किचन बहुत छोटी सी है, हमें दिक्कत होती है, दो जन अगर सोचें दो जन किचन में रुक के काम कर ले तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर छत पे आए, तो छत पे आके देखिए नज़ारा, बारिश होती है तो ऐसे लगता है बस करो शिमला में आ गए हम लोग, ऐसे धुंध हो जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और हम लोगों का प्लान था आज दिल्ली जाने का, कई दिन से बन रहा है, एक हफ्ते से प्लान बन रहा है, पर मौसम ने कैंसिल करवा दिया। पर सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, वैसे तो छुट्टी के दिन हम लोग 9 बजे उठते हैं, पर हम लोग जल्दी उठ गए, 8 बजे उठ गए कि दिल्ली जाना है, बच्चे भी जल्दी उठ गए कि घूमने जाना है, पर हमें कुछ ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था, पर अच्छा हुआ पति देव ने कैंसिल कर दिया सुबह मौसम के हिसाब से। फिर भी मैं तो एक बार बोली कि चलो चलते हैं, बारिश नहीं होगी ऐसा ही मौसम है, पर वो बोले कि नहीं बारिश हो सकती है, और आज धीरज भी नहीं जा सकते, धीरज के पास बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस का। तो फिर मैं बोली सही है फिर रहने दो, चलो यहीं मस्ती करते हैं, यहीं इंजॉय करते हैं छुट्टी हम लोग। तो चलिए दिखाते हैं हमारे पति देव कैसे पाव भाजी बनाते हैं। तो यहाँ भाजी बना लिए थे, भाजी का मैं नहीं वो वीडियो बना पाई क्योंकि मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पति देव हमारे पाव सेक रहे थे और बच्चे खा रहे थे बच्चों को दे दिए थे, खा रहे थे बच्चे। तो इनका क्या प्लान है ये स्मार्ट हैं, ये हमारे घर में जब भी पाव भाजी बनता है तो यही बनाते हैं, ये बहुत अच्छे से पाव भाजी पनीर पोहा बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं। इनका प्लान क्या है, जब ये रिटायर होंगे तो हम लोग इलाहाबाद में एक छोटा सा अपना होटल खोलेंगे। तो बोले कि जो तुम्हें आता है बनाना वो तुम बनाना, जो मुझे आता है तो मैं बनाऊँगा। मैं बोली ठीक है। तो हमारे पति जब नौकरी से रिटायर होंगे तो इलाहाबाद में होटल खोलेंगे, हम दोनों मिलके अपना होटल चलाएंगे, मैं बनाऊंगी आलू का पराठा और जो मुझे आता है, और जो पति देव का आता है वो पति देव बनाएंगे। टन टना देखिए पाव भाजी, यम्मी यम्मी पाव भाजी भी, और सच में काफ़ी टेस्टी, वाओ। तो आइए आप लोग भी खाइए पाव भाजी। तो हाँ मेरी और पति देव की प्लेट लग रही है क्योंकि बच्चे तो खा चुके हैं, तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं पाव भाजी। तो चलिए आइए कभी हमारे पति देव के हाथ से पाव भाजी खाइए, होटल का भूल जाएंगे, इनके हाथ का खा के। सच में यार जो भी बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं, दाल फ्राई हो, पर ये दाल फ्राई देसी घी से करते हैं हम हैं तो सरसों के तेल से, पर ये जब भी करते हैं देसी घी से। तो देखिए मैं बोल रही थी कैसा लगा, तो बोल रहे एमबी है एमबी, सच में बहुत टेस्टी था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर सोए आराम किए, और ठंडा मौसम था तो खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ गई, लेट गए। उसके बाद मैं उठी तो ठंड लग रही थी, तो मैं सोची चलो शाम की चाय बनाते हैं, अदरक वाली चाय, और बारिश हो रही है, बारिश में तो चाय पीने का मज़ा ही अलग है, ऊपर से ठंड है, तो चलिए चाय पीते हैं। और यार कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा प्यास लगता है, हर 5 मिनट में मैं पानी पी रही हूँ आज, और वो इतना ज़्यादा प्यास लगते हैं, चाहे जो मैं बाहर भी खा के आती हूँ चाहे सब घर पे खाती हूँ। बादल तड़ तड़ कर रहा है, देख रहे हो कितने तेज बादल आवाज कर रहे हैं। अरे तुम, मैं सोची ट्रैक्टर वगैरह चलो ठीक हो, बढ़िया। तभी पापा पूछे बादल तड़ तड़ कर रहा है, मैं बोली नहीं अभी पीछे गई चाय छान रही थी तब पता चला। देखो देखो तेज बारिश हो रही है, पवन तो नहीं आया मौसम, ये बारिश हो गई। छोटू चाय लो, मस्त ना मस्त के कितने
मस्त है वो, गर्मी वाली बारिश नहीं है, मस्त नहाना है। तो क्या दोगी, क्या दोगी ऊपर से ओढ़ने के लिए? भीगने जाओगे ना? भीगे मम्मी, एक छाता ले जाऊंगा अपना। चाय लीजिए। हेलो, जा रहे हैं, तड़तड़ आना दे, तेज हो गई ना? चलो सही है, तड़तड़ चमक रहा है। चाय ले लो तुम दोनों, चलो बाहर मत जाओ, चमक रहा है बहुत तेज, तड़तड़। चलो चाय लो। मम्मी खुश हो रही है, इसको स्कूल ले जाएंगे। हां तो छाता लेके जाऊंगा, सुबह धूप हो जाएगी, तेज बारिश हो रही है ना, सुबह धूप होगी। छाता लेके जाऊंगा, जाओ नहीं लीजिए, पति देव चाय लीजिए, बैठ के पियो। और चाय गिराना मत छोटू। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, फिर क्या जाओ, फिर बोल्ड, फिर चलो गाइस चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से, गर्मा गर्म चाय पीती हूँ क्योंकि बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, बहुत तेज बादल आवाज कर रहे हैं और चमक रहा है बादल।